सो गाइस, क्या आपको पता है कि किम तहयोंग न्यूयॉर्क से बहुत कुछ स्पेशल लेके आए हैं अपने आर्मीज के लिए? यस, इस बात को तहयोंग ने खुद से ही बताया है। सो वो क्या कुछ है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो गाइस, एक न्यूज तो आपने कॉन्टिन्यूसली ही देखा होगा इन दिनों, तहयोंग एंड जैनी के डेटिंग रूमर। अब यहाँ पे बहुत से फैंस इस बात को सच भी मानने लग गए, लेकिन बहुत से फैंस का कहना है कि ये फेक है, ये एक्टिंग देख रहे हैं। ये बात और भी ज्यादा सीरियस तब हो गई जब तहयोंग का जो डेटिंग रूमर था जैनी के साथ न्यू ही आया था, एंड उसी टाइम जैनी एंड तहयोंग न्यूयॉर्क गए थे। ऑब्वियसली वो लोग अलग अलग काम से गए थे। जैनी गई थी ब्लैक पिंक के कुछ काम से एंड कुछ प्रोजेक्ट से, एंड इस बात पे YG एंटरटेनमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट भी किए कि वो अपने काम से जा रहे हैं, एंड ऑब्वियसली तहयोंग गए थे फोटोशूट के लिए। तो आपको पता ही होगा कि इट्स मी माई सेल्फ करके इससे पहले आर्यम ने जंगकुक ने अपना फोटोशूट करवाया, अब तहयोंग गए, एंड उसके बाद जो बाकी मेम्बर्स हैं वो लोग भी फोटोशूट करवाने वाले हैं। सो जब तक तहयोंग न्यूयॉर्क में थे तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे IG पे, ना ही वीवर्स पे, कहीं पे भी। ऑब्वियसली इन दिनों भी तहयोंग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे ही भी वापस आए थे न्यूयॉर्क से तो आपने देखा ही होगा कि वो कितने ज्यादा हैप्पी होते हुए वापस आए। जब हमने एयरपोर्ट की फुटेज देखी तो हमने देखे वो कितने ज्यादा हैप्पी थे ना। तो ऑब्वियसली ये हैप्पीनेस इसलिए भी थी बिकॉज जंगकुक का बर्थडे था। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि जब न्यूयॉर्क वापस आ गए साउथ कोरिया, देन उन्होंने व्यूअर्स पे पोस्ट किए, एंड जिस पोस्ट में तहयोंग ने बताया कि मैं अच्छे से वापस आ गया हूँ एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड ना मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज लेके आया हूँ। सरप्राइज ये है कि मैं बहुत से फोटोज क्लिक करवाया हूँ जब मैं न्यूयॉर्क में था, तो फोटोज में बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो यस, तहयोंग बहुत जल्द अपने कुछ ऐसे मोमेंट्स, कुछ ऐसे फोटोज शेयर करने वाले हैं फैंस के साथ जो कि फैंस ने अभी तक नहीं देखे। आपको याद होगा तो इससे पहले जब तहयोंग गए थे पेरिस, ऑब्वियसली सेलिन फैशन शो में, तो वहां पे भी उन्होंने एक ब्लॉग बनाया, मिनी ब्लॉग है ना, एंड उस ब्लॉग में हम देख सकते हैं कि तहयोंग ने जितने भी मोमेंट वहां पे बिताए थे उन सभी मोमेंट्स को उन्होंने आर्मीज के साथ शेयर किए। वेल गाइस, आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है तहयोंग क्या शेयर करने वाले हैं फैंस के साथ, कौन से फोटोज, कौन से ऐसे वीडियोज जो कि हमने नहीं देखे। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तहयोंग इस समय बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लाइक ट्विटर पे, एंड क्योंकि जो वो व्यू मैगजीन है उन्होंने अपने IG पे इस पोस्ट को स्टोरी के माध्यम से बताया है कि वी वॉग्यू इज कमिंग। सो वी का जो फोटोज है वो भी आने वाला है। तो किम तहयोंग #KimTahyong #VWogYouIsComing #WeComing बहुत ही ज़्यादा ट्विटर पे आपको देखने के लिए मिलागा। एंड या आप मुझे अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।